हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर कैप्शन लिख सकते हैं। गाइस, अगर आपको अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर कैप्शन लिखना नहीं आता है या फिर आपको यही नहीं पता है कि कैप्शन होता क्या है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टाग्राम पोस्ट पर कैप्शन लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैप्शन क्या होता है, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देंगे, वीडियो लाइक हो जाएगा, सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको सिर्फ इतना ही करना है, इतना करने के बाद बाकी सब मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। तो आपको अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर कैप्शन लिखने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद जैसे आप कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं, सेम वही प्रोसेस आपको करनी है। तो यहाँ पर हम पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से अपनी कोई भी एक मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे ये रही मेरी एक फ़ोटो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। आप भी ऐसे ही अपनी पोस्ट अपलोड करते होंगे, ऐसे अपनी फ़ोटो अपलोड करते होंगे। अब यहाँ से आप जो कलर होते हैं, अपना जो वाटर मार्क होते हैं वो लगा सकते हैं, म्यूजिक वगैरह इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं मेरी फ़ोटो आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें कैप्शन कहाँ पर लिखना होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। आप गाइस देखते होंगे कि जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कोई भी फ़ोटो डालते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये फ़ोटो किस लिए उन्होंने डाली है, कहाँ की फ़ोटो है, क्या है, कि उन्होंने सब कुछ लिख रखा होता है कि ये फ़ोटो क्या है, उसके बारे में सब कुछ लिख देते हैं वो लोग। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो फ़ोटो है वो कुछ इस तरीके की है। अब यहाँ पर इसके नीचे आपको फ़ोटो के नीचे ही एक ऑप्शन मिलेगा, राइट ए कैप्शन और ऐड ए पोल। तो यहीं पर आपको कैप्शन लिखना होता है। कैप्शन का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी फ़ोटो के बारे में लिखना होता है, उसी को कैप्शन कहते हैं। जब आप अपनी फ़ोटो के बारे में लिखते हैं कुछ भी, तो उसी को कैप्शन कहते हैं। जैसे ये गाइस मेरी एक फ़ोटो है जो मैंने अपनी फ़ोटो को कटिंग कटवाते समय नाई की दुकान में खींची थी, तो वही वाली ये फ़ोटो है। तो यहाँ पर हम एक ऐसी सिंपल सी इमोजी लगा देंगे और लिख देंगे स्मार्ट फ़ोटो, ऐसे लिख देंगे स्मार्ट, और यहाँ पर स्मार्ट और एक इमोजी लगा दी है। अब यहाँ पर एक फ़ोटो लिख देंगे, ऐसे फ़ोटो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई लोग बहुत बड़ा सा कैप्शन लिखते हैं, कई लोग यहाँ पर 10 लाइन का भी लिख देते हैं, कई लोग 15 लाइन का, और इस तरीके से वो कैप्शन लिखते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में हैशटैग्स लगाते हैं। अब आपको हैशटैग्स कैसे लगाने हैं, आपको जो यहाँ पर हैश का ऑप्शन मिलता है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एक स्मार्ट का हैशटैग लगा देना है। स्मार्ट का जैसे आप अपनी कोई भी फोटो अपलोड करते हैं, कहीं की भी फोटो अपलोड करते हैं, उसमें जो कैप्शन लिखते हैं उस नाम का आपको एक हैशटैग जरूर लगाना है। उसके बाद में जहां की वो फोटो है, जैसे ये मेरी है नाई की दुकान की ये, तो मैं यहां पर ऐसे कोई भी मार्केट का या प्लेस का हैशटैग नहीं लगाऊंगा। अगर आपकी किसी प्लेस की है फोटो, तो आप क्या कीजिए, वहां पर उस प्लेस का भी एक हैशटैग लगा दीजिए, जिससे लोग उस प्लेस को भी देख पाएंगे हैशटैग पर क्लिक करके। हैशटैग से क्या होता है कि अगर आप अपनी पोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग का यूज करते हैं, तो आपकी फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। जो भी इस हैशटैग पर क्लिक करेगा वो आपकी फ़ोटो को देख पाएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब एक तो मैंने स्मार्ट का लगा दिया, अब मैं लगा दूंगा यहाँ पर फ़ोटो का। तो इस तरीके से आपको एक फ़ोटो का भी लगा देना है, जो भी आप लिख रहे हैं उसका भी लगा देना है। फिर उसके बाद में आपको अपनी आईडी का लगा देना है, इंस्टाग्राम आईडी का जो भी यूजर नेम है उसका हैशटैग लगा देना है। जैसे मेरी आईडी का नाम है टेक्निकल दीपक टू टी डी, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने नाम का, जो आपका नाम हो उस नाम का आपको हैशटैग लगा देना है। मेरा नाम दीपक दुबे है, तो मैंने दीपक दुबे नाम का हैशटैग लगा दिया है। अब इसी तरीके से मैंने इतने हैशटैग लगा दिए, आप 30-35 हैशटैग लगा सकते हैं, जितने भी आप लगाना चाहें उतने लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर नीचे थोड़ा स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको मेंशन का ऑप्शन मिलता है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपको क्या करना है, अपनी आईडी को सर्च करना है, अपनी यूजर नेम को सर्च करना है और इसे टैग कर लेना है। उसके बाद में आप जिस प्लेस पे गए थे उस प्लेस का अगर कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसको भी आप टैग कर सकते हैं। तो अगर आपको
टैग करना हो तो, अगर आपको यहाँ पर किसी और को भी टैग करना है, किसी फेमस जैसे विराट कोहली, यहाँ पे मैं विराट कोहली को टैग कर लेता हूँ, जैसे जिससे मेरी विराट कोहली के पास भी फोटो पहुँच जाए, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं गाइस इतना काम जब हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इतना जो काम हुआ है इसे ही कैप्शन कहते हैं, जो यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो के बारे में लिखते हैं, किसी को टैग करते हैं, हैशटैग लगाते हैं, उसे ही कैप्शन कहते हैं। अब यहाँ पर बाकी आप लोकेशन वगैरह लगा सकते हैं और उसके बाद में अपनी फ़ोटो को शेयर कर दीजिए, इसी को कहते हैं कैप्शन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।